हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिबल बाय रितिका। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कुछ पेंसिल्स के बारे में बताया था कि कौन सा पेंसिल का मतलब क्या होता है, और आज की इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ बेसिक एक्सरसाइज के बारे में जो हमारे ड्राइंग को स्किल्स को बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना, और आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मैं न्यू वीडियो आने पर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और गाइस, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो। तो बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, आइए हम लोग बात करेंगे आज कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है ड्राइंग के लिए एंड बहुत ही हेल्प करती है हमारे ड्राइंग के लिए। ये है तो बेसिक चीज़ें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है बेसिक चीज़ें। आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से इसे प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ड्राइंग बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। गाइस, क्या क्या प्रैक्टिस एक्सरसाइज है चलिए अब जानते हैं। फर्स्ट नंबर होती है लाइन प्रैक्टिस या फिर लाइन ड्राइंग, लाइन। सेकंड नंबर होती है डॉट मैचेस। थर्ड नंबर होती है सर्कल ड्राइंग। फोर्थ नंबर होती है इन्फिनिटिव। फिफ्थ नंबर में होती है बेसिक शेप्स। सिक्स नंबर होती है प्रेशर कंट्रोल। ये इतने सारे चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर ये सब बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे बेसिक होती है लाइन प्रैक्टिस। तो लाइन प्रैक्टिस क्या होती है, जो हम लोग लाइन खींचते हैं, लाइन्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए। लाइन आपका जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका बेसिक उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा आपके सारे ड्राइंग्स। गाइस, पहले लाइंस को जानते हैं कि लाइंस किस तरह से हम लोग ले सकते हैं, खींच सकते हैं। चलिए जानते हैं फर्स्ट नंबर वाली लाइन प्रैक्टिस। लाइन प्रैक्टिस पहले हम लोग इसमें करेंगे, जस्ट पेपर को मूव नहीं करना, पेपर को इधर उधर मूव नहीं करना है। पेपर हुआ, कॉपी हुआ, ये सबको मूव नहीं करना, बस हैंड मूव करनी है। पहले देखिए, इधर से इधर लाइन करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट करने का कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि एक बार में ही पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाए। ये नहीं कि तोड़ तोड़ के आप कर रहे हो, वो सब नहीं। देखिए, कुछ इस टाइप में लाइन ड्राइंग करनी है आप लोगों को। अब देखिए, एक बार इधर से हुआ, अब हम लोग इस साइड से करेंगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही करते हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ये दो तरह का हो गया। उसके बाद हम लोग तीसरे तरह का भी खींचेंगे, अप टू डाउन, ऊपर से लेके नीचे से स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा सीधा, एकदम लंबा लंबा स्ट्रोक्स लेने हैं। अप टू डाउन होगी, अप डाउन टू अप करेंगे, सीधा सीधा लेंगे स्ट्रेट लाइंस। पेज को देखिए, बिल्कुल भी मूव नहीं करना, मैंने कहीं भी पेज मूव नहीं किया, मैंने हर जगह अपने हैंड को मूव किया है। स्टार्टिंग में तो स्ट्रेट लाइन पूरा सीधा सीधा नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते स्ट्रेट लाइंस आ जाएगी। अब इधर से करेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर, लेफ्ट से राइट कॉर्नर की तरफ जाना है, और फिर राइट से लेफ्ट कॉर्नर की तरफ आनी है।
अब इस साइड की कॉर्नर से करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगी, लेफ्ट टू राइट कॉर्नर की तरफ, राइट टू लेफ्ट कॉर्नर की तरफ। ओके, ये हो गया आपकी लाइन प्रैक्टिस। लाइन प्रैक्टिस को कम से कम डेली 2 घंटा प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए अब सेकेंड नंबर की बात करते हैं, डॉट मैच। जस्ट लाइन प्रैक्टिस जैसे ही होता है, ये भी बस डॉट देना है 2 जगह और उससे लाइन को मिक्स करना है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी ड्राइंग में काफ़ी हेल्पफुल करता है। मेरे स्किल में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी हेल्प करती है आपके डॉट मैचेस। आपको एक जगह से दूसरे तरफ लाइन खींचना रहा तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों का भी हैबिट नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, डॉट दे दोगे 2 जगह, उसके बाद आप लोग उस डॉट को मिलाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस कर सकोगे। कुछ इस टाइप की देखिए, मैंने यहाँ 2 डॉट्स दे दिए और फिर लाइन्स को मैच कर दी। पहले छोटे छोटे से स्टार्ट करेंगे, फिर उसे बड़ा करेंगे, हर साइड से करेंगे। जैसे लाइंस में हम लोग करते थे लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हर तरफ से हम लोग डॉट्स को दे के और उसे मिलाने का कोशिश करेंगे। ओके, सारे एंगल से लेंगे, स्टार्टिंग में छोटा लेंगे, फिर उससे धीरे धीरे उससे बड़ा लेते जाएंगे। स्टार्टिंग में आप लोगों की अगर डॉट्स मैच नहीं होती तो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, पर धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर हो जाएगी। आप लोगों को फुल सीट में प्रैक्टिस भी करनी है, एंड आपके दोनों साइड पेपर के दोनों साइड हर चीज़ को प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा अगर आप लोग टाइम नहीं दे पा रहे तो कम से कम 20 to 25 मिनट्स ज़रूर दीजिए एंड कीजिए ये सारी प्रैक्टिस। आप लोगों को पहले अपना डर को हटाना है, डर को अगर हटाओगे तभी आप लोग अच्छा ड्राइंग कर सकोगे। और ये सब जो प्रैक्टिस है, ये सब आपके डर को हटाने के लिए ही होती है। आप लोग जितना ये सब प्रैक्टिस करोगे बिना डर का, उतना ही अच्छा आप लोग ड्राइंग कर सकोगे। आप लोग सबसे पहले अपने डर को हटाइए। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की डर, और डर को हटाने के लिए ये सब बेसिक प्रैक्टिस होती है, और ये सबसे ही कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों की बढ़ती है। ये सबसे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होती है ड्राइंग करने की स्किल में, और ड्राइंग की स्किल भी इम्प्रूव होती है। ये डॉट मैजेस को काफ़ी आराम से कीजिए। ये सब एक गेम की तरह होता है, आप लोग बचपन में ये सब गेम ज़रूर खेले ही होंगे। ये सब प्रैक्टिस कीजिए, खेलते खेलते कीजिए, बहुत जल्द इससे आपकी इम्प्रूव होगी स्किल्स। और रुक रुक के ऐसे तोड़ तोड़ के नहीं लाइन देना है, पूरा फ्लो में जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट करना है, एक ही बार में पूरा लाइन खींचना है, तोड़ तोड़ के बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल रुकना नहीं है इसको, पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आप लोग रुक रुक के करो तो कभी आपकी ड्राइंग स्किल बढ़ नहीं पाएगी। चलिए अब थर्ड नंबर की हम लोग बात करते हैं। थर्ड नंबर एक्सरसाइज में क्या था, सर्कल। चलिए सर्कल को प्रैक्टिस करते हैं, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो जो एक्सरसाइज मैं यहाँ पर आज बता रही हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी ड्राइंग को की स्किल बढ़ाने में। ये सारे एक्सरसाइज को करना, ऐसा नहीं कि एक किया तो दूसरे छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपके स्किल्स नहीं बढ़ पाएगी। आप लोगों को सारे ड्राइंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है 20 to 25 मिनट्स, तभी आपकी स्किल्स बढ़ पाएगी। जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा थोड़ा करके सारे एक्सरसाइज को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसा नहीं कि आज प्रैक्टिस किया तो कल प्रैक्टिस नहीं किया, ऐसा नहीं करना। आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ओके गाइस, चलिए सर्कल ड्राइंग को किस तरह से परफॉर्म करते हैं उसे दिखाते हैं। आइए, पहले तो हम लोग मिडिल टाइप के एक सर्कल बनाएंगे, कुछ इस टाइप से सर्कल बनाएंगे, ठीक है। फिर उसी को करते जाएंगे बड़ा।
बड़ा कर लिए, फिर अब फिर से छोटा करेंगे, फिर उससे भी बड़ा करेंगे। और एक बार मैं ऐसे सर्कल ऐसे ड्रॉ ऐसे सर्कल बन गया तो ऐसा नहीं कि इसे छोड़ देना है। जब तक परफेक्ट सर्कल नहीं बने तब तक आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। हर साइज़ के आप लोगों को सर्कल प्रैक्टिस करने, जब भी छोटा छोटा कभी बड़ा ऐसे ही करते। स्टार्टिंग में 10 डेज तक आप लोगों को इम्प्रूवमेंट खुद दिख जाएगी, आप लोगों की इम्प्रूव थोड़ी बहुत हो जाएगी। लेकिन एक मंथ, कम से कम वन मंथ तक आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से ये सब प्रैक्टिस करना, तब आपकी स्किल देखेगा आप खुद कि आपके कितनी अच्छी स्किल्स बढ़ जाएगी, कितने अच्छे से आप लोग सर्कल कर सकोगे, स्ट्रेट लाइन कर सकोगे। सर्कल ड्राइंग में आप ये ओवल शेप का भी यूज़ करिए, फिर सर्कल बनाइए, बड़े से बड़ा सर्कल बनाइए, फिर हाफ सर्कल करिए। देखिए कुछ इस टाइप में मैंने यहाँ सर्कल ड्रॉ किया। इसका अब हाफ कैसे होगा देखिए, इसके अंदर अब ओवल एक बना दिया, उसको फिर कट कर दिया गया। तो ऐसे सारे चीज़ें आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या था। इंट्यूटिव ड्राइंग, इंट्यूटिव ड्राइंग क्यों करते हैं? इंट्यूटिव ड्राइंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इन्फिनिटी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो भी कर्व वाले एरिया को ड्रॉ करते हैं उसके लिए। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, उसमें ड्रॉ करने के लिए हमको कर्व एरिया का ज़रूरत पड़ता है, तो इससे काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी स्टिल लाइफ वगैरह में। और जैसे फेस बनाते टाइम भी कर्व आता है तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी इससे। इन्फिनिटी ड्राइंग किस टाइप का हम लोग परफॉर्म करेंगे, जैसे कि एक बार जो पेंसिल लगा दी उसको, पेंसिल को उठाना नहीं जब तक वो पेज काला ना हो जाए, पेंसिल को उठाना नहीं है। ये बिल्कुल उल्टा एट टाइप का होता है, ऐसे ही पेंसिल को उठाएंगे नहीं, जस्ट ऐसे ही करते जाएंगे, फिर इधर से करेंगे कुछ इस टाइप में करेंगे। इसे भी हर साइड से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कभी सीधा से, कभी उल्टा से, कभी साइड से, कभी दूसरे साइड से। ये वाला प्रैक्टिस करने से आपको कोई भी कर्व वाले एरिया को ड्रॉ करना रहा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हर साइड से इन्फिनिटिव ड्राइंग करेंगे, चारों साइड से, मतलब कि देखिए इधर से किए, फिर इधर से खिलेंगे, फिर इस साइड से, एंड फिर ऐसे एक फ्लावर टाइप का बन गया। बस इसी टाइप का हम लोग को पूरा पेज में प्रैक्टिस करना है। इन्फिनिटिव ड्राइंग में क्या है, इससे हम लोग बहुत इजीली कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी स्टिल लाइफ को सामने रख के उसे ड्रॉ कर सकेंगे। जैसे फेस भी अगर हम लोग को बनाना रहा तो कोई भी ह्यूमन को सामने का बैठा दिए और उसे देख के हम लोग बहुत ही आसानी से उनकी फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इन्फिनिटिव ड्राइंग इज़ द वेरी मस्ट। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, ये सारी एक्सरसाइज ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा एवरीडे। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, एंड मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है, आप लोग जाके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड आप लोगों को कोई भी डाउट्स रहा पूछ सकते हो, फ़ोटो ड्राइंग की भेज सकते हो, अपनी एक्सरसाइज की भी फ़ोटो भेज सकते हो मुझे। ओके थैंक यू। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि शेप्स के बारे में और भी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में। ओके मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों को भी मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मेरी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज से उनको हेल्प मिल सके। ओके थैंक यू सो मच गाइज़।